INVSR टीम इंडिया पर भी दिखा कोरोना वायरस का असर। मास्क में नजर आए खिलाड़ी और एक दूसरे से। 12 मार्च को धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू होने जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम स्टेडियम पहुंच चुकी है। इस सीरीज पर भी कोरोना वायरस का असर साफ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को धर्मशाला जाते समय दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल मास्क पहने नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी फोटो शेयर की। वहीं दक्षिण अफ्रीका समेत सभी भारतीय खिलाड़ियों ने साफ कह दिया है कि वे किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे और न ही फैंस के साथ सेल्फी लेंगे। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे 15 को लखनऊ और तीसरा मैच 18 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा। गौरतलब है कि भारत में बुधवार तक कोरोना वायरस के कुल 61 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार और हेल्थ एजेंसियां इसके संक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मंगलवार को देश भर में 14 नए मामले सामने आए। इनमें केरल के 8, पुणे और कर्नाटक के 3 से 3 केस हैं। वहीं सरकार ने वायरस के खतरे को देखते हुए फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि कोरोना वायरस का दौरे पर कोई असर नहीं है, सभी मैच तय समय पर ही होंगे। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि गांगुली इसके बारे में भी कह चुके हैं कि यह रद्द नहीं होगा। बीसीसीआई ने इस बारे में कोई हेल्थ एडवाइजरी भी जारी नहीं की है।